फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही यम्मी टेस्टी करेला रेसिपी। अगर आपकी भी करेले कड़वे बनते हैं तो बिना कड़वाहट करेले बनाने के लिए वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप एक बार इस तरह से करेले बना लेंगे तो गारंटी है आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे और इतने स्वादिष्ट बनेंगे कि सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। टेस्टी करेले बनाने के लिए हम एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे जिससे आपके करेले बहुत ही चटपटे, तीखे और मज़ेदार बनेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हमने इसमें क्या डाला है जिससे करेले इतने अच्छे बने हैं। मसालेदार करेले बनाने के लिए सबसे पहले मैंने करेले लिए हैं, कुछ छील लेंगे और छीलने के बाद इसको ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा छिलका उतारेंगे। ज़्यादा हमें इसे नहीं छीलना है बिल्कुल, जैसे मोटा मोटा छिलका नहीं उतारना है, बिल्कुल ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा करेला का छिलका उतार कर हम इसे बीच में से कट का निशान लगाएंगे। तो इसी तरह से सभी करेले को हम छीलकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से लंबा कट का निशान लगाएंगे, बिल्कुल बीच में से, बिल्कुल नीचे तक कट नहीं लगाना है। बस इसे हम बीच में से इसलिए कट का निशान लगाएंगे ताकि इसमें जब हम मसाला भरेंगे तो अच्छे से भर जाए। और इस तरह से ये देखिए, इस तरह से कट लगाकर सभी को रख लेंगे। सभी करेले मैंने छील लिए हैं। सभी करेले छीलने के बाद इस तरह से कट लगाकर सभी को एक साथ रख लेंगे। फिर हम इसे नमक लगाकर रखेंगे। नमक लगाकर रखने से करेले में एक तो कड़वाहट ख़त्म हो जाती है और एक करेले स्वादिष्ट बनते हैं। तो अगर पके हुए करेले हैं तो इस तरह से बीज निकाल दीजिए। वैसे ही ये करेले पके हुए नहीं थे, अगर पके हुए हों तो बीज को बाहर निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से सभी करेले कट कर लेंगे। तो ये नमक लिया है मैंने 2-3 चम्मच के लगभग, तो थोड़ा थोड़ा सा नमक इस करेले पर डाल देंगे और इसी तरह से सभी करेले नमक लगाकर रख देंगे। तो इसे हमें 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए रखना है। का नमक पानी छोड़ देगा और करेले जो हैं वो मीठे हो जाएंगे, कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह से सभी करेले में नमक लगा देंगे। इसी तरह से सभी करेले में नमक लगाकर इसे अच्छे से ऐसे मिक्स कर देंगे और फिर ढककर रख देंगे 2-3 घंटों के लिए ताकि ये मीठे हो जाएं और जो नमक है वो पानी छोड़ देगा और इसे ढक देंगे। तो इसी बीच में हम मसाला बनाएंगे करेले का भरावन वाला। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा प्याज लिया है। बड़ा प्याज को बारीक बारीक कट कर लेंगे, बिल्कुल बारीक कट करेंगे। और आप चाहो तो इसे आप चॉपर से भी जैसे चॉप कर सकते हो, नहीं तो आप इसे बारीक बारीक कट कर लीजिए। तो इस तरह से सभी प्याज कट कर लिया है मैंने। हरी मिर्च लेंगे, हरी मिर्च भी बारीक बारीक कट कर लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। और एक कटोरी लेंगे, तो इसमें मैं आपको मसाले बता देती हूँ। तो 1 चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, तो 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है और 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच नमक लिया है, क्योंकि नमक ऑलरेडी करेले में है। तो 2 चम्मच मैंने ये बेसन लिया है। यही बेसन से करेले बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे जब हम इसके मसाला तैयार करेंगे, जब हम बेसन को ऐड करेंगे। देख लेते हैं, पानी जैसे निकल गया है और करेले एकदम मीठे हो गए हैं। इसे निचोड़ लेंगे करेलों को, तो एकदम टाइट से निचोड़ेंगे ताकि जो कड़वा पानी है नमक वाला वो निकल जाए। और ये देखिए, इस तरह से हाथों से भी निचोड़ सकते हो या फिर आप इसे कपड़े में डालकर कपड़े भी इसे निचोड़ सकते हो। तो मैं तो हाथों से निचोड़ रही हूँ, तो कोई साफ़ कपड़ा लेकर भी इसे निचोड़ सकते हैं, इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। करेलों को नमक लगा कर रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखिए, अब सारा पानी जो करेलों का है वो निकल गया है और कड़वाहट ख़त्म हो गई है, अब करेले बिल्कुल मीठे हो गए हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ही करेले अच्छे बनेंगे और कड़वे भी बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो अब सभी करेले मैंने रख दिए हैं एक साइड में। तो इसी बीच में हम मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए एक पैन लेंगे, उसमें 1/2 चम्मच जीरा और 1 बड़ा चम्मच ऑयल लेंगे और इसे चटका लेंगे। फिर इसमें बारीक कटा प्याज ऐड करेंगे और इसे भून लेंगे। हमें प्याज को अच्छे से भूनना है ताकि अच्छे से ये सिक जाए और इसमें एक क्रिस्पी सा टेस्ट आने लगे। बिल्कुल कच्चा नहीं रखना है प्याज को, और चलाते रहेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। प्याज अच्छे से भून गया है, अब इसमें जाएगा सीक्रेट इन्ग्रीडियंट्स। तो वो इंग्रेडिएंट्स है बेसन। 2 चम्मच बेसन मिलाने से जो करेले हैं वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। एक बार आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखिए। तो बेसन को भी अच्छी तरह से प्याज के साथ भून लेंगे। प्याज जब भून जाएंगे तब इसमें बेसन ऐड करके इसे भी अच्छे से भूनेंगे। तो बेसन अच्छे से भून जाएगा जब इसमें ग्रीन चिली डाल देंगे, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, ये ऑप्शनल है। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे भी अच्छे से भून लेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे मसाले। जो हमने एक कटोरी में मसाले लिए थे बाउल में,
जो मैंने ड्राई मसाले लिए थे वो ऐड कर देंगे। तो मसाले इसमें थोड़ा तेज़ी डालते हैं क्योंकि मसाला जो है वो चटपटा बनेगा, और इन मसालों को भी ऐसे 2 मिनट रोस्ट कर लेंगे ताकि अच्छे से ये मसाला भुन जाए। तो ये देखिए अब रेडी हो चुका है जो करेले का भरने वाला जो मसाला है भरावन, जिसे हम भरावन भी कह सकते हैं, ये मसाला बिल्कुल रेडी है। इसे खट्टा टेस्ट देने के लिए आप इसमें अमचूर पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास अचार का मसाला हो तो आप इसमें ऐड कर दीजिए और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अचार, आप कैरी के अचार का मसाला इसमें ऐड करेंगे तो बहुत ही टेस्टी आपके करेले बनेंगे। तो इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब जो करेले हैं वो भी हमने मीठे कर लिए थे और इन्हें भी अच्छे से तैयार करके रख लिया था, तो इसी बीच में हम करेले में मसाला भर कर इसे रेडी करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा मसाला लेंगे और करेले में भर देंगे, इसी तरह से सभी करेले भरकर तैयार कर लेंगे। सभी करेले अच्छी तरह से भरकर तैयार कर लेंगे। सभी करेले मैंने भर लिए हैं। तो अब एक ऐसा काम करेंगे जिससे करेले का मसाला बाहर ना निकले, इसे धागा लपेट देंगे। तो धागा मैंने रील वाला जी लिया है जिससे हम नॉर्मल कपड़े सिलते हैं, तो वाइट कलर का धागा लिया है। आप कलरफुल धागा नहीं लेना है इसमें बिल्कुल भी, आप कलरफुल धागा मत लीजिएगा। जो जैसे लाइट कलर का धागा होता है ना जिसका रंग वगैरह ना छूटे, तो वही धागा लेंगे और इन्हें अच्छे से लपेट देंगे ताकि जो करेले हैं जब हम पकाएंगे तब इसका मसाला बाहर नहीं आएगा। कुछ एक करेले मैंने बांधे नहीं है, कुछ एक मैंने बांध कर तैयार कर लिए हैं। पैन लेंगे, पैन में हम ऑयल डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच। अब एक एक करके सभी करेले इसमें डाल देंगे और फिर इन्हें अच्छे से रोस्ट करेंगे तेल में, फ्राई करेंगे एक तरह से, और अच्छी तरह से अलटते पलटते रहेंगे। एक बार सभी डाल देंगे उसके बाद में इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इन्हें बीच बीच में जैसे चला देंगे ताकि जैसे आगे पीछे से ये इक्वली अच्छी तरह से सीख जाएँ। तो इन्हें ऊपर नीचे कर देंगे, बीच बीच में हमें इसे संभालते रहेंगे। इसी तरह से ये देखिए 10 या 15 मिनट में करेले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अच्छी तरह से मैंने अलटते पलटते इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लिया है। तो ये देखिए अब मैं इसे चेक कर रही हूँ, ये अच्छे से पक चुके हैं। अगर ये पक जाएँ आसानी से टूटते तो इसका मतलब ये अब पक चुके हैं। तो पकने के बाद इसे हम एक जैसे ठंडा करेंगे और जो धागा है वो इसका निकाल देंगे। तो खाने से पहले जब भी आप करेले सर्व करें, अगर आपने धागा लपेट कर करेले फ्राई किए हैं यानी, तो फिर आप इसका जो धागा है वो निकाल दें। ये देखिए मसाला बिल्कुल भी नहीं निकला है। जिन करेलों पे मैंने धागा नहीं लपेटा था मसाला निकल गया था। करेले से जो धागा है वो निकाल देंगे। आप इसे बनाकर 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपको रोटी पराठा के साथ खाने हो तब इसे इंजॉय कर सकते हैं। लो अब तैयार हो गए हैं करेले बिना कड़वाहट के, बहुत ही टेस्टी और एकदम टेस्टी मसाला बनकर तैयार हुआ है। इसका जो अंदर वाली फीलिंग है वो इतनी गजब की है कि आपको एक बार अगर इस रेसिपी को ट्राई कर लिया तो सच में आप इसी तरीके से करेले बनाएंगे और आपको बहुत ही पसंद आएंगे। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर इसी तरह से आपको मेरी न्यू अच्छी अच्छी टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इसी तरह से मिलते रहेंगे नई टेस्टी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।